कोई शुनीद है कि शायद एक इलेक्शन कमीशन का वक्त मिले गवर्नर से, गवर्नर साहब क्या फरमाते हैं, ये सारी चीजें एक वक्त मायने नहीं रखती। फिर वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें ताकि वापस आए और आवाम को कोई उम्मीद नजर आए। पहली बात यह है कि ये इमरान खान साहब के पास आए, शाह महमूद कुरैशी के, इन्होंने वो NRO के लिए अपनी दस्तावेज सामने रखी। बताना इसलिए जरूरी है कि ये सफर शुरू कैसे हुआ। जब इन्होंने देखा आके, जैसे कि शहजाद वसीम साहब बता रहे थे कि इनके जो केस बिल्कुल आप अपने उस पर मनसकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये सड़कों पे आए, इन्होंने एक धरना किया, दूसरा धरना किया, इन्होंने मार्च किया, कांपे टांगी मार्च हुआ, डी चौक तक ये आए, सब कुछ हुआ, एहतजाज करते रहे। सिर्फ एक चीज के लिए वो डिमांड थी जो शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने इन्होंने रखा, वो पूरा भरा एक रखा कि जी अगर आप ये मान जाएं जो 34 से ज़ायद अमेंडमेंट्स थी नैब ऑर्डिनेंस में, अगर इमरान खान ये मान जाते हैं, हम अपना प्रोटेस्ट भी वापस लेंगे, हम भी करेंगे प्रोटेस्ट। हम फैटिव जब आया, जो कानून साजी पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी थी, no questions about it, उस पर भी इन्होंने ब्लैकमेल किया, फिर मशरूत कर दिया कि वो फर्रा फिर सामने ले आए कि अगर आप ये नैब अमेंडमेंट्स कर देते हैं हमारे साथ तो हम आपको फैटिव पर भी वोट कर देंगे। कोरोना आया, कोरोना के बीच में भी इन्होंने हर जगह पर ये शर्त रखी कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन अगर इमरान खान इस दस्तावेज को मान जाए, वो दस्तावेज जिस पर इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत तो छोटी चीज है, मेरी जान भी चली जाए मैं इनको NRO नहीं दूंगा। फिर इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। मकसद आपको समझ आ जाना चाहिए, मकसद एक ही था, मकसद ये था कि किसी तरह से अपने आप को करप्शन केसेस से रिलीफ दें। इन्होंने दूसरा रास्ता ये अख्तियार किया कि इमरान खान को ही हटा दिया जाए और ये खुद आकर NRO ले लें, और ऐसा ही हुआ। इमरान खान की हुकूमत को जिस तरीके से भी, उसकी इन्होंने तफसील में बात की है, जो इन्होंने इस्तेमाल किया दो नंबरी से, वो आकर इन्होंने पहला काम ये किया, नैब अमेंडमेंट्स कर दी जो आज चैलेंज हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और उससे हुआ क्या, उससे इनके तो सारा इनको रिलीफ मिल गया, लेकिन जिस तरह ये बता रहे थे आवाम को तकलीफ का सफ़र शुरू हुआ। और ये जो 9-10 महीने हैं, किधर आ गया पाकिस्तान। एक NRO 1 था जो मुशर्रफ ने दिया था, और जनरल मुशर्रफ, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, उन्होंने बाद में एडमिट कर लिया कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी इनको NRO देना। उस NRO से जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। 6,000 अरब रुपये कर्जा था मुल्की तारीख में 1947 से लेके इनके आने तक, NRO 1 के होने तक, और NRO 1 के होने के बाद 10 साल ये लोग आते हैं, 6,000 अरब से उसे 30,000 अरब पे लेके चले जाते हैं, और बाकी सारे फिगर्स आपके सामने इन्हीं की हुकूमतों के। फिर इमरान खान साहब आते हैं, और जो जो इमरान खान साहब इकदाम करते हैं, 6% पे हमारी ग्रोथ रेट चली जाती है, एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड सारे तोड़ देती है, रेमिटेंसेस 19 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर पे चले जाते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो अमेरिका नहीं दे सका अपने शहरियों को, वो इमरान खान ने दी, मुफ्त इलाज की सहूलत 10 लाख रुपये सालाना हर खानदान को इमरान खान वो लेकर, 10 डैम्स की तामीर शुरू हुई। हर लिहाज से पाकिस्तान आगे जा रहा था, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ज़रात की ग्रोथ देखें, इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें, सर्विसेज की ग्रोथ देखें, मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं ये 6% GDP ग्रोथ के अंदर, ये सारी चीज़ें आई। और ये मैं नहीं कह रहा,
ये पीडीएम का अपना इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है जब वो हुकूमत में आए। अब जब इमरान खान की हुकूमत चली जाती है तो आज एनआरओ 2 के नुकसान जो हैं उसका आप अंदाजा लगाइए। इस वक्त हेल्थ कवरेज फारिग कर दी इन्होंने, गरीब के पास वो सहूलत अब नहीं रही। साथ में हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई, ग्रोथ हमारी गई नीचे, फॉरेन रिजर्व्स हमारे खत्म होके रह गए हैं हर लिहाज, और महंगाई जो इमरान खान के दौर में फूड इन्फ्लेशन जो कि 15% था, वो आज 42% पे चला गया है, 42% पे चला गया है। तो ये हुआ जी NRO 2। इंशाल्लाह, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, ये बिल्कुल अवाम के साथ ज़्यादती है। अवामी नुमाइंदे कभी भी ऐसी लेजिस्लेशन करने का हक नहीं रखते जो कि अवामी तौर पे, जिसको अवाम को नुकसान हो, कौम को नुकसान हो। इसलिए उम्मीद है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जो है फैसला जो है इसके ख़िलाफ़ आएगा, हमें उम्मीद है, और पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल, आखिरी बात कर रहा हूँ, एक ही है, वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को फॉलो किया जाए, इलेक्शन कराए जाएँ, जमहूरियत में जमहूर को सुना जाता है। और इमरान खान अपना अगला कार्ड भी उनका तैयार है, और अगर ये इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं करते जो कि आईनी हक है इस अवाम का कि इलेक्शन कराए जाएँ, तो फिर इमरान खान साहब पूरी कौम को कॉल देंगे। और क्योंकि सारे सर्वे, सारे बाय इलेक्शन सब इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन चाहती है। जी सर, जी ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन में मुलाकात हुई है, लेकिन पंचायती सरकार जो पंजाब में उसके बारे में भी कोई डेट फाइनल नहीं हो पाई, तो आप उसके बारे से क्या कहते हैं? शहजाद वसीम साहब, आप ये बताएं कि सेनेट में आज भी तस्करा किया गया है चीफ जस्टिस के जो बयान है उसके हवाले से, तो उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि ये एक सोचा समझा एक मनसूबा है जिसकी वजह से एक प्रोपेगंडा जो है वो जनरेट किया गया, उनका किस तरफ इशारा है? देखें, पहली बात तो ये, अगर अटॉर्नी जनरल का कोई काम नहीं है सेनेट में आकर बयान देना, नंबर टू, जो जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हकूमती सैनिटर्स ने उसको उठाया था, मगर वो क्या करते हैं, वो करते ही हैं कि मीठा मीठा हापअप, कड़वा कड़वा थू थू। वो ये नहीं बात करते कि यहाँ से ये रिमार्क्स भी किए कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, वो ये नहीं, वो सिर्फ अपने मकसद की बात करते हैं। मगर आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ये आप ज़रूर देखें कि इस वक्त एक मुनज़्ज़म तरीके से नून लीग की तरफ से अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है, क्योंकि उनको पता है कि अहम केसेस, और इनकी हिस्ट्री है, इसी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले कौन थे, यही नून लीग थी, और इनकी ये हिस्ट्री है कि इनकी कोशिश ये होती है कि बजाय आइन कानून की बालादस्ती, अदलिया के एहतराम पर उनको प्रेशराइज करने की ये नाकाम कोशिश करते हैं, जो इंशाल्लाह फिर नाकाम होगी। और फैसले हम उम्मीद करते हैं, कौम की इस वक्त उम्मीदें हैं कि अदलिया की तरफ के आइन और कानून की इलेक्शन की विषय पे पीटीआई इतमाद नहीं कर रही है, हुकूमत में ऑलरेडी इतमाद नहीं है, क्या समझते हैं अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या अदलिया के अंडर इलेक्शन हो या फौज के अंडर इलेक्शन हो, क्या समझती है पीटीआई? देखें, इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए, तो ये जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। दूसरा, हम पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, हम तमाम रिजर्वेशन के बावजूद इलेक्शन लड़े हैं, हम आज भी समझते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने जानबदाराना अपना तर्ज अमल जारी रखा हुआ है, मगर अल्लाह के हुक्म से, और मैं समझता हूँ कि सब जो अवामी ताईद है इमरान खान के लिए, तरीके इंसाफ के लिए, हमें उस पर पूरा यकीन है। तमाम तर धांधली, तमाम तर हथकंडों के बावजूद इनको यही डर है कि जो मर्जी कर लें, जिस दिन इलेक्शन हुआ पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ। सेनेट की जो ओपन बैलेटिंग का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया और उसमें वाज़े उन्होंने लिख दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा था कि हम नवंबर, गालिबन नवंबर में हम तैयार होंगे इलेक्शन कराएं, पिछले नवंबर की बात कर रहा हूँ। जी एक सवाल ये कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दलील भी आया है और रिमार्क्स भी आए हैं कि ये जो नेब तरामी हुई है, अगर आप बाईकाट न करते, इस्तीफा न देते, अक्सरियत आपकी थी, तो वजह आप हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप सारे रिमार्क्स को इकट्ठा रख के देखें, फिर आपको तस्वीर वादे नजर आएगी। थैंक यू सर।